गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है, उसी में एक हम नया प्रैक्टिस सेट लाए। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे 50। अब आप लोग चेक कीजिएगा आप लोगों के कितने नंबर 50 में से आते हैं। 45 प्लस आए, समझिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपकी हिंदी हो चुकी है अभी तक। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी, ये पूछ रहा है छत्तीसगढ़ी बोली किस में आती है। अब एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, पूर्वी हिंदी की जो बोलियाँ हैं, पूर्वी हिंदी की, इसको आप ए बी सी से याद रख लीजिए। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इस तरीके से आप याद करिए। और इसमें छत्तीसगढ़ी दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। और जो हम यूपी वाले हैं और जो ये मथुरा साइड है, ये किस में आता है, ये आएगा पश्चिमी हिंदी में। और पश्चिमी हिंदी का जो किस अपभ्रंश से विकास हुआ है, ये हुआ है सौर सैनी से, सौर सैनी से। और अगर ये पूछ ले कि पूर्वी हिंदी का किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है अर्ध मागधी से, अर्ध मागधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा, इसमें ये देखना है कि कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया है, एक नज़र देखिए। इसमें कह रहा है कि निर्लिप्त कैसे लिखा जाएगा, तो बस फिर चारों को पढ़िए मत, अब डायरेक्ट ये लिख के देखिए। तो निर्लिप्त इस तरीके, अब देखिए किस में लिखा हुआ है, निर्लिप्त सी में लिखा हुआ है, तो ये इसका सही हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इच्छा द्रुम, द्रुम होता है हमेशा, क्या होता है द्रुम, ऐसे याद रखिए द्रुम, इसी में जो है गलतियां देगा, तो इच्छा द्रुम का हो जाएगा सी। फोर्थ पे आते हैं, इसे कहते हैं द्विरुक्ति, तो द्विरुक्ति कैसे लिखा जाएगा, तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ए, द्विरुक्ति, इसे एक बार लिख के देख लीजिए आप लोग। अब पांचवा है विस्मृति, विस्मृति कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विस्मृति, विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है जगत प्राण, तो जगत प्राण कैसे लिखेंगे आप, तो सिक्स का हो जाएगा आपका सी, जगत प्राण, आधा ता बनेगा इसमें, क्या बनेगा, आधा ता, आदिता को याद रखिएगा। सेवन, अब एक चीज़ याद रखिए, संधि पूछ रहा है इसमें, त थ द ध न, तो जो तीसरे का पहला हो जाता है और पांचवे का भी पहला, तो इसमें दा दे रखा है ना, तो दा की जगह आ जाएगा त, तो भगवत धन गीता, तो इसका सातवें का क्या हो जाएगा, सही सी। मनोरम, जब इस तरीके से ओ की मात्रा आती है दो वर्णों के बाद, तो उसका क्या कर देते हैं, विसर्ग कर देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, मनहधन रम। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीम द्वारा लिखी गई इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है, तो इसमें आप ये देखिए, बड़े बड़ाई, बड़े की विशेषता क्या है, बड़ाई, बड़ाई है आपका यहाँ पर विशेषण, और विशेषण, और ये जो बड़े हो गया, ये हो जाएगा आपका संज्ञा, या जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे आप विशेष भी कह सकते हो, तो संज्ञा आप विशेष भी हो सकती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह काम मैं आप कर लूँगा, आप या अपने आप कर लूँगा, तो इसका जो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। अब ऑप्शन दे रखें आपके, संबंध, संबंधवाचक में क्या होता है, और निश्चय, निज, पुरुष, तो इसमें तो पहले तो मैं बता दूं आपका निज हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, छह प्रकार का होता है, एक जो लाइन मैंने याद रखी है उसी से आप करो, पुरुषों का, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, अनिश्चय संबंध होता है संबंध, तो प्रश्न करते हैं निज से, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इस तरीके से छह आपको याद हो जाएंगे। अपने आप कर लूँगा, और इस तरीके के एग्जांपल में आपको बताऊँ, मैं प्रेस अपने आप कर लूँगा, मैं खाना अपने आप बना लूँगा, आप जब जहाँ पे शब्द आ जाता है आप, तो वहाँ पे क्या होता है, निज, खुद अपने आप करेगा वो उस काम को। पुरुषवाचक के तो तीन भेद हैं, वो आपने पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य, ये पुरुष के भेद हैं, इसमें बहुत पूछे जाते हैं। हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, तो मैं, हम, ये किस में आ जाएंगे, उत्तम हो जाएंगे। मध्यम के में क्या हो जाएगा, आप, ये किस में आ जाएगा, मध्यम में आ जाएगा। और जिसके बारे में ये
दोनों बात करते हैं उत्तम और मध्यम, जिस चीज के बारे में बात करें वो अन्य पुरुष हो जाएगा, जैसे राम श्याम या वे, ये सब किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। अब इसमें क्या बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग करने की पहचान मैं आपको ये बताऊं, कोई भी जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हो जैसे ऋतु, पंडित, हंस, आचार, इनका वाक्य में प्रयोग कर लो। बसंत ऋतु सुहावनी होती है, होती है आ रहा है, होता है नहीं है, जहाँ होती है तो वहाँ क्या आ जाएगा आपका? ऋतु। तो ऋतु क्या है? स्त्रीलिंग है। अब मैं इसके साथ में आपको एक अपवाद बता दे रहा हूँ जो मोस्टली बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, दही। दही में पूछेगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप कहोगे कि दही खट्टी होती है, मगर दही के साथ ये अलग हो जाता है सेंस, ये एक अपवाद है, ये हमेशा पुल्लिंग में आता है, तो दही खट्टा होता है बोला जाता है, तो आप इसे याद रख लीजिए, इसे अपवाद समझ के अलग से भी लिख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए चाहे तो। अब ये आ गए, निम्न में से चार शब्द दिए गए हैं, तीन अनेकार्थक की श्रेणी में आते हैं, जो इस श्रेणी में नहीं आता है उसका, इसमें ये बताने एक शब्द के अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग जगह उसके शब्द के अर्थ निकल सकते हैं, मगर एक ऐसा होगा जो कि अनेकार्थक नहीं होगा, जिसके बहुत सारे अन्य अर्थ नहीं निकलेंगे। तो अंबर के बहुत अर्थ निकल सकते हैं, आकाश के निकल सकते हैं, कर्ण के, मगर वस्त्र के बहुत सारे अर्थ नहीं होते। अब इसी तरीके से मधु, शहद और शराब के होते हैं, दूध के नहीं होते, तो बी हो जाएगा इसका। अब 14 का आप देखेंगे, इंद्र के होते हैं, ब्राह्मण के होते हैं, ब्राह्मण को हम द्विज भी कहते हैं, ऐसे बता दूं, सूर्य को हम दिनकर दिवाकर भी कहते हैं, और इंद्र को हम मधवा कहते हैं, ये पर्यायवाची बता रहा हूँ इनके साथ में, और सिंह को शार्दूल कहते हैं, तो मगर सिंह के अन्य बहुत सारे अन्य अर्थों में यूज नहीं किया जाता, तो बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, सजा, बल और सेना, इन तीनों के तो अन्य अलग अलग अर्थ होते हैं, मगर शक्ति के नहीं होते, आप इन्हें पर्यायवाची से कंफ्यूज मत कर लीजिए, क्योंकि जब मैं भी इन्हें सॉल्व कर रहा था एक बार, मैं आपको कराने से पहले ना चेक कर लेता हूँ कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो, तब भी मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कहीं पर्यायवाची तो नहीं है, तो आप लोग इसे अनेकार्थक समझें, जिसके कि अनेकार्थक वो होते हैं जिनके अन्य भिन्न भिन्न अर्थ निकलें। तो इसी तरीके से 16 क्वेश्चन पे आते हैं हम, तात, पूज्य, मोती, इनके तो अनेकार्थक निकलते हैं, मगर पिता के अनेकार्थक नहीं होते। ये कुछ शब्द हैं, इन्हें ही थोड़े से चार पांच को आप याद कर लीजिए, कि किरण के नहीं होते, पिता के नहीं होते, इसी तरीके से सिंह के नहीं होते, ये थोड़े से आप याद कर लीजिए। अब इसमें क्या दिया है कि निम्न में से पर्यायवाची बताना है, कि अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है जो अनंत है, जिसका कहीं एंड नहीं है, वही क्या है? अंतरिक्ष। और आपको ये बता दूं, हमारा जो भी तारामंडल या अंतरिक्ष है वो हर साल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में क्या होता है? तारों का पथ होता है, तो तारापथ कह देते हैं। अंबुज, मैंने आपको बताया था जिसके पीछे जा आता है वो किसका पर्यायवाची होगा? कमल का होगा। किसका होता है? कमल का होता है। और जिसके पीछे धा आता है वो समुद्र का होता है। किसका होता है? समुद्र का होता है। और जिसके पीछे दा आता है ये किसका होता है? बादल का होता है। अब इसमें देखिए, जा किसके पीछे आ रहा है? इसके पीछे आ रहा है, और कमल तो है ही है, तो ये तीनों एक से हो जाएंगे, कमल, अंबुज और जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 में आपको दे रखा है खल। खल किसे कहते हैं? खल के पर्यायवाची, खल होता है नीच या दुर्जन, जो दुष्ट व्यक्ति होता है या जो दुर्जन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? खल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20, तृण, तृण का अर्थ क्या होगा? तृण का मतलब होता है तिनका या घास, कहते हैं ना एक तिनका या तृण या घास, ये सारे क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब आते हैं 21 पे, 21 में आपको दे रखा है क्षुद्र, तो क्षुद्र का आपका क्या होगा? क्षुद्र का होता है क्षुद्र ग्रह, ऐसे समझिए, क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र हो जाएगा अल्प या मामूली, छोटा सा होता है ना। क्षुद्र ग्रह कैसे होते हैं? जो अपने आप जब हमारे मध्यमंडल में आते हैं, मध्य मंडल में आते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर माइनस में होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, वहाँ अपने आप वो भस्म हो जाते हैं, या वो बिल्कुल ये राख बन जाते हैं, ऐसे समझिए। तो क्षुद्र से आप याद रखिए, मामूली या अल्प। उग्र, उग्र के क्या होंगे? तो उग्र के हो जाएंगे आपके प्रचंड या उत्कट, प्रचंड हो सकता है या उत्कट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटोही, बटोही का आपका हो जाएगा पथिक या राहगीर, ये हो जाएंगे इसके सी। बिरद, बिरद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यश पाना या ख्याति पाना, तो ये सब किसके हो जाएंगे? बिरद के हो जाएंगे। 25 पे आते हैं, यातु,
यातु कौन होते हैं, जो राक्षस होते हैं। अब एक चीज़ बता दूँ, जो राक्षस वगैरह के होते हैं ना, वो चर आता है उनके पीछे। बहुत सारे जो आप पर्यायवाची सुनेंगे तो राक्षसों के पर्यायवाची के पीछे क्या मिलेगा, चर। जैसे कि इसमें देखिए निशाचर, और अगर किसी के पीछे आ रहा है कर तो वो हो जाएगा चंद्रमा का। और जैसे कि आपने सुना होगा सुधाकर, तो वो भी किसका आ गया, चंद्रमा का। विभु 26 का आपका हो जाएगा ए। विभु होता है भगवान, जो सर्वव्यापी है या जो नित्य है, हर जगह है। अब क्या है यहाँ पे दे रखा है कि समानार्थी बताना है, इनमें से बताना है कि कमल का समानार्थी क्या है, या आप ऐसे समझिए समानार्थी या पर्यायवाची, इस तरीके के सेंस में समझिए। तो कमल को ही हम क्या कहते हैं, परी जात कहते हैं। कला निधि, जिसकी बहुत सारी कलाएं हों, जैसे कि अभी पूर्णिमा और अमावस्या, ये अलग अलग कलाएं होती हैं ना। कभी चंद्रमा छोटा दिखता है, अभी पिंक मून निकल के गया है कुछ टाइम पहले, 7 तारीख को के पिंक मून हुआ था। तो उसी तरीके से कला निधि किसका हो जाएगा, आपका समानार्थी हिमांशु का। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। तुंग, तो तुंग का आपका हो जाएगा उन्नत। तुंग का क्या हो जाएगा, उन्नत। सिखी, सिखी का किसका है, मयूर का। मयूर के सिर पे क्या होते हैं, मयूर मोर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है ना, इस तरीके से अगर उसका सिर बनाएगा तो हल्का सा ऊपर से उठा हुआ होता है, तो इसीलिए उसी जगह को कहा जाता है सिखी। 31, मिलिंद का क्या होगा, तो मिलिंद का इसमें जो होगा वो होगा भ्रमर। भ्रमर हो जाएगा मिलिंद का। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब जो आपके 32 से क्वेश्चन है वो क्या है, आपके विलोमार्थी। तो आप इन्हें विलोम बताने, मतलब कि उल्टा बताना है। दिवस मतलब क्या होता है, दिन। विभावरी क्या होता है, रात को। रात का क्या होता है, विभावरी। और आधी रात के समय, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया कि आधी रात के समय क्या कहते हैं, निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, निशीथ। अब आपके आते हैं 33। तो निर्मल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही शुद्ध है। मलिन मतलब जो गंदा है। 34, उद्यम का क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और आलस्य हो जाएगा इसका विलोम या विलोमार्थक। अब नेक्स्ट पे आते हैं 35। 35 दे रखा है महान। एक होता है महान, जो बहुत ही बड़ा कार्यकर्ता हो या जो जिसकी ख्याति बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्षुद्र। 36, द्युत। तो द्युत का आपका क्या हो जाएगा, अंधकार। द्युत का क्या हो जाएगा, अंधकार। और द्युत को हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश। अब यहाँ से आपके जो स्टार्ट होते हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होते हैं। जैसे बहुत सारे शब्दों के लिए या किसी वाक्य के लिए एक शब्द जिसका किसी से लगाव ना हो। तो अब आप इसको ऐसे मत सोचना कि अलगाववादी कर दो, तो इसे क्या कहते हैं, निर्लिप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्लिप्त, जो किसी में नहीं हो लिप्त। लिप्त मतलब लगा हुआ। लगा कब रहता है, जब लगाव होता है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी हुई हो, जो लोगों से बात सुनी हुई हो उसे कहते हैं हम किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास, तो सबके समान अधिकार पर विश्वास कहाँ होता है, समाजवाद में। और ये समाजवाद अपने प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था, 1976 में। रजोगुण वाले को क्या कहते हैं, राजसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या दे रखे हैं आपके, निम्न प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया जिसका एक भाग रंगीन है। रंगीन भाग पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, उस भाग का सही अर्थ बताना है। रंगीन भाग का हमें क्या बताना है, सही अर्थ। 42, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, कलेजा पसीज जाना मतलब दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। मतलब मंत्री जी आए, मंत्री जी काम वाम कुछ करते नहीं, तो जनता ने उन्हें क्या किया, आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इसका मतलब हो जाएगा ध्यान तक न देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण, मतलब जैसा नाम वैसा ही गुण। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। मतलब बार बार वो विनती कर रहा है पुलिस वालों से कि छोड़ दो छोड़ दो, मगर पुलिस वाले उसे छोड़ ही नहीं रहे, उसकी सुन ही नहीं रहे। विनती उसकी, जब कोई आदमी को पुलिस पकड़ लेती तो विनती तो करता है ना, मगर पुलिस वाले नहीं मान रहे। 46, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो आपका 46 का क्या हो जाएगा, मक्खी मारना मतलब खाली बैठना, दिन भर कोई काम न करना।
47, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का मतलब आपका क्या होता है, झूठा आश्वासन देना कि भैया जैसे ये सुना है आपने कि तुम मुझे 1,000 रुपये उधार दे दो और मैं तुम्हें ना ब्याज के साथ 2,000 रुपये लौटा दूंगा, तो उसने सब्ज बाग दिखाए और झूठा आश्वासन दिया और वो आपसे पैसे ठग ले गया। जो ठगी का काम होता है ना वो सारा हम किससे करते हैं, झूठा या सब्ज बाग दिखाकर। 48, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का रह गए। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा बचपन में, जब हम लोग लड़ रहे हों और वहाँ से प्रिंसिपल गुजर जाए तो हम क्या हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, मतलब अचरज में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से प्रिंसिपल आ गए, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। तो इसका अटखेलियाँ सूझने का मतलब होता है दिल लगी करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते भौं भौं करने लगते हैं। तो इस 50 का आपका हो जाएगा अपनी सुध खो देना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ये वीडियो देखा, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरीके की वीडियोस को कंटिन्यू करना हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक अपने दोस्त के साथ इसे शेयर कर देना। ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते रहेंगे तो प्लीज़ इसे देखते रहें और चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर लें, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।